काफी अच्छी वार्डन की एबिलिटी यहां पर जाती हुई टाउन हॉल की तरफ जाएगी। दिस इज नॉट अ सिंगल ट्रैप टुवर्ड्स द टाउन हॉल, हाउएवर बहुत सारी बॉम्ब्स हमें देखने को मिले, बट एट द एंड द टाउन हॉल विल गो डाउन। क्वीन टारगेट करती हुई टाउन हॉल के ऊपर, इजी क्वीन चार्ज से यहां पर टाउन हॉल टेक डाउन करेंगे, काफी अच्छी वैल्यू। मल्टी टारगेट यहां पर थोड़ा सा बचता हुआ, और जी हां जैसा कि आप बोल ही रहे हैं इतने सारे स्पेल्स हैं उनके पास कि मतलब दूसरा टैकल भी काफी है। एग्जैक्टली, एंड स्पेल्स का स्वैग, एक वॉल ब्रेकर भी बचा है उसका भी स्वैग कर दीजिए स्नाइपर, एंड एक 3-स्टार अटैक अपनी क्लैन की, बहुत अच्छी चीज है। बैड बॉम्ब उन्होंने यहां पर 6 क्लॉक की तरफ से डिप्लॉय कराई, बहुत ही बढ़िया फ्रीज, बिकॉज़ यहां पर विजर्ड टावर के साथ स्कैटर शॉट जाएगा एंड अनदर फ्रीज केम अप। एयर डिफेंस तो कुछ भी नहीं करती यहां पर बैड, आई लव्ड इट। एंड कहीं ना कहीं टोर्नाडो ट्रैप थोड़ी सी दिक्कत जरूर देगा, फोर वाला मल्टी जरूर बचा है जो कि अगर टेक डाउन होता है। एक और यहां पर स्पीयर चाहिए, एंड यस 15 सेकंड बचे हैं, और बिल्डिंग्स अगर हम बात करें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्टोरेज एंड क्लान कैसल, दैट्स इट, 7 एंड इट्स डन। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यहां पर होगी, हाफ हेल्थ वहां पर जाने वाला है, लेकिन उससे भी पहले उन्होंने एक फ्रीज स्पेल डिप्लॉय करा। बिल्कुल, एक इनविजिबिलिटी भी बचा है एज अ मतलब स्वैग, एक स्वैग के साथ अटैक को फिनिश करेंगे, एक स्वैग के साथ अपनी विक्ट्री जो है वो क्लेम करेंगे। एंड इस प्लेयर के बारे में मतलब क्या मेंशन करें, ही इज मेंटेनिंग हिज स्ट्रेक, या ट्रिपल के बाद नहीं, बट अगेन लेट्स सी, यू नो हर एक प्लान से मोगाम्बो को पता है कि कैसे डील करना पड़ता है, और द चेन डैमेज इज सो गुड। विजर्ड टावर थोड़ी सी दिक्कत देगा, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए काफी अच्छे तरीके से जाते हुए तो प्रीच स्पेल में सब होता है वो मोगाम्बो की तरफ से, लेकिन क्या उसके बावजूद यहां पर जीत लेके जा जरूर सकते हैं, इट सीम्स यस, बिकॉज अनदर प्रीच स्पेल हैज बीन डिप्लॉयड, एक रेज स्पेल की डिप्लॉयमेंट होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन नाउ ऑन द टाउन हॉल। हाउएवर गीगा बॉम्ब के अंदर भी यहां पर फंसते हुए नजर जरूर आएंगे, विच इज नॉट गुड थिंग। स्टोन स्लैमर के अंदर से उन्होंने वहां पर इंसिड्यूस को बर्स्ट करवाया, जिसके अंदर से यहां पर एक और इलेक्ट्रो ड्रैगन प्लस बलून जाते हुए थोड़ी जितनी वैल्यू इकट्ठा करना चाहते थे वो तो जाती हुई, लेकिन कोर के अंदर से देखिए कितने ज्यादा रेड बॉम्ब प्लस द ब्लैक बॉम्ब हैज बीन अपीयर्ड। ईगल आर्चरी को रॉयल चैंपियन के जरिए वहां पर शट डाउन करना चाहते हैं, गीगा इन्फर्नो रॉयल चैंपियन को शट डाउन करता है, लेकिन द क्वीन वाज इनफ। टोर्नाडो ट्रैप के अंदर बहुत सारे बलून फंसते हुए, द टाउन हॉल इज स्टिल अप, वार्डन की एबिलिटी उन्होंने इसी समय के लिए बचा के रखी थी, और कहीं ना कहीं पोकू भाई ये पहला अटैक ट्रिपल हो सकता है उनकी टीम के लिए। टोरेज इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, मिनियन के साथ साथ यहाँ पर स्नेकी गॉब्लिन डिप्लॉय कर दिए गए, आई थिंक सो इट्स डन। क्वीन वॉल ब्रेक करने में यहाँ पर वेस्ट होती हुई, एक आर्चर टावर, एक कम ऑन द आर्च एंड द मिनिज लास्ट होप एंड ओ पोकू भाई मल्टी की तरफ पीपली ओपनिंग दिलवा सकते हैं, और जरूर जा रहा है उनका स्टोन स्लैमर उस तरफ, बट स्टिल थोड़ी सी दिशा भटकता हुआ मल्टी, इसका मतलब स्टोन स्लैमर की एचपी यहां पर सोक इन करेगी, और उसके अंदर से बलून चैंपियन देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है ऑफ दैट एयर स्वीपर जैक। कार्टर कंपार्टमेंट ना उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मैं परेशान हूं, लेकिन वो मल्टी इज स्टिल अप, क्वीन के ऊपर अभी भी प्रेशर बनता जरूर जाएगा, एबिलिटी ऑलरेडी यहां पर पॉप आउट हो चुकी है, रॉयल चैंपियन हैज बीन डिप्लॉयड, उनके पास फायर पावर बहुत ज्यादा है, ड्रैगन आर स्टिल अप, इनफैक्ट 3 ड्रैगन उनके पास है, 3 उनके पास यहाँ पर अभी भी ड्रैगन राइडर्स हैं। बलून के साथ साथ ब्लिम पावर जाती हुई, काफी ज्यादा अमाउंट यहाँ पर ट्रूप के हित में गए, सीसी यहाँ पर ड्यूर आउट होता हुआ, और टाउन हॉल यहाँ पर इजीली शट डाउन करा जा सकता है, इनविजिबिलिटी स्पेल जरूर, क्या ये होगा स्टिल अ क्वेश्चन, बट यस इट्स डन। ब्लिम की पोजीशन आई थिंक जो काफी ज्यादा अच्छी है, क्या वहां पर उनको कोई भी ट्रैप देखने को मिलेगा, नो स्नीकी गॉब्लिन वो भेज रहे हैं, इंटरेस्टिंग चॉइस, एक उन्होंने स्नीकिंग गॉब्लिन छोड़ा ताकि टेस्ट करने के लिए कि वहां पर कोई बॉम्ब है या फिर नहीं, फिर उसके बाद एक लाइन भेजी एंड द टाउन हॉल इज डन, बहुत ही बढ़िया एमडब्ल्यूसी सिंगल को यहां पर हील करते हुए नजर आएंगे। ओह इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां पर रॉयल चैंपियन की एबिलिटी इस्तेमाल हुई एक्सपेक्टिंग कि वो सिंगल टारगेट वहां पर टेकडाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहां पर अभिषेक। बहुत ही बढ़िया फ्रीज स्पेल यहाँ पर आता हुआ, सिंगल के साथ साथ टाउन हॉल भी यहाँ पर फ्रीज होता हुआ नजर जरूर आएगा, एक और रेज स्पेल की डिप्लॉयमेंट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, द टाउन हॉल विल गो डाउन, एक रेज स्पेल वार्डन के ऊपर भी डिप्लॉय करा गया था ताकि स्कैटर शॉट के लिए उनके पास वैल्यू अच्छी रहेगी, काफी अच्छी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर अभी के लिए उनकी पाथिंग जरूर जाती हुई, एक ड्रैगन राइडर इन्फर्नो टावर के ऊपर जाएगा विच विल इवेंचुअली गो डाउन। टाइटन वीजी 81% और 95 तो डेफिनेटली आ रहा है, ट्रिगर होता हुआ एक ब्रीच स्पेल की डिप्लॉयमेंट वहां पर जरूर आएगी, लेकिन क्लोन यहां पर इनफैक्ट उन्होंने अपने हित में लिया, इसका मतलब टाउन हॉल से उनके हित में इजी तरीके जाने जरूर वाला है, बहुत का पॉइजन से क्या बचा पाएगी, एंड नो बॉम्ब यहां पर सही टाइम पे बर्स्ट होगा जिसकी वजह से और दिक्कतें होने वाली है, एक-एक करके इलेक्ट्रो ड्रैगन्स आर गोइंग आउट।
दो इलेक्ट्रो ड्रैगन अलग अलग जगह है तो स्प्लैश डैमेज से दोनों को यहाँ पर डैमेज नहीं पड़ेगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं आती। 50 सेकंड भी बचा है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन गया जरूर और एक वहां पर बचता हुआ। द क्लैन कैसल इज द फाइनल बिल्डिंग विच इज लेफ्ट इन द बेस एंड यस वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सुपर रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यहाँ पर अभी तक बच के रखी है, इसका मतलब एक शील्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ तीन हिट वाला रह जरूर जाएगा वो मल्टी टारगेट इन्फर्नो, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज कॉल। डैमेज बहुत ज्यादा था रॉयल चैंपियन के ऊपर एंड दैट्स व्हाई शी गॉट नॉक्ड आउट। और एक और वहां पर वो जायंट बॉम्ब था, ट्रैप्स की प्लेसमेंट काबिलियत आ रही, कॉलम बर्स्ट आउट होता हुआ, वैल्यू इतनी नहीं देखने को मिलती हुई उसकी वजह से, लेकिन स्टिल सर्जिकल लालो हैज बीन एग्जीक्यूटेड, टाउन हॉल इज स्टिल अप 50% मतलब गीगा यहां पर जो उनका रहने वाला इन्फर्नो वो ट्रिगर होगा। बहुत ही बेहतरीन वहां पर उन्होंने इनविजिबिलिटी स्पेल का इस्तेमाल करा। फाइनली हमें फाइनल यहां पे डे नंबर 3 के मैचेस खत्म होने के बाद में जो चार मैचेस हुए थे उसके बाद में क्या रहेगा यहां पे स्टेटस।